हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हर्षिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी जिसको आप व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनने वाली है रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं। बनाना आसान है और कैसे आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी इसके लिए मैं आपको आगे तक बताऊँगी, तो वीडियो को फॉलो करें। यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया है जो कि मीडियम साइज़ वाला साबूदाना है, मतलब ये छोटे वाले साबूदाना नहीं है, और इनको मैंने आधे घंटे तक भिगा लिया था और इसको छान लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन गरम किया है, पैन में मैंने एक चम्मच घी डाला है और घी को पैन में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ताकि साबूदाना यहाँ पर चिपके नहीं। तो अच्छे से सारे घी को स्प्रेड कर लेंगे पैन में और फिर जो भी हमने साबूदाना भिगाया है उसको इसमें डाल करके अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका आँच होगा, मतलब फ्लेम होगा, उसे लो रखना है, उसे हाई नहीं रखना है और ना ही मीडियम पे रखना है। लो आँच पे इसको सेकेंगे और 10 मिनट तक इसे सेकेंगे। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका साबूदाना सिक गया है? उसका एक सिम्टम ये होगा कि आपके साबूदाना पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, एकदम फ्लफी से हो जाएंगे। तो चलिए इसका वेट करते हैं जब तक कि ट्रांसपेरेंट ना हो जाए हमारे साबूदाना। आप देख पा रहे होंगे साबूदाना का कलर चेंज हो गया है और ये ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं। तो अभी इस स्टेज में आपको गैस को ऑफ कर देना है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिलाया है फूड कलर। मैं इसे ग्रीन कलर का बना रही हूँ और अगर आप चाहे तो यहाँ पे अपने मनपसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं या फिर जो भी आप, या फिर आप इसको ऐसे ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, सुंदर लगेगा कलर। इसलिए मैंने डाल दिया ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे, ब्यूटीफुल लगे और स्वादिष्ट तो है ही ये। तो इसको चलिए अच्छी थोड़ी देर तक हम पका लेते हैं। पूरे प्रोसेस में आपको मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है, स्पेशली जब आप साबूदाने को रोस्ट कर रहे हो तो आपको लो रखना है। उसके बाद जैसे हमने इसमें शक्कर यूज़ किया है, एक कप मैंने इसमें शक्कर डाला है, थोड़ा सा फूड कलर डाला है और आधा चम्मच में डाल रही हूँ यहाँ पे हरी इलायची का पाउडर। मैं शक्कर जब मैं डाल रही थी तो मैं उसे शूट करना भूल गई हूँ। अभी मैं एक कप दिखाती हूँ, इस कप से मैंने आधा कप यहाँ पे शक्कर यूज़ किया है। तो इतना ही आपको शक्कर यूज़ करना है क्योंकि इस कप से मैंने एक कप साबूदाना लिया था और उसको भिगाया हुआ था। तो चलिए इसको पका लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से मगज के बीज लिए हैं, इसको भी यहाँ पर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेते हैं। बहुत ही सुंदर लगेंगे जब ग्रीन ग्रीन कलर में, ये वाइट वाइट कलर के मगज के बीज जब इसमें दिखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे और टेस्टी भी होते हैं। तो इसको एक थिक कंसिस्टेंसी आने तक इसे पका लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये थिक हो गया है और बहुत ईजी भी था बनाना, सिर्फ 2 या 3 चीज़ों से हमने इसको बनाया है, साबूदाना, शक्कर, इलायची पाउडर और मगज के बीज। तो आप यहाँ पे शेप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, अगर आप चाहें तो इसका लड्डू के फॉर्म में रख सकते हैं या फिर इसकी बर्फ़ी जमा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी बर्फ़ी जमाई है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रे लिया है और ट्रे को पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और जो भी साबूदाना अभी हमने पकाया है उसको इसमें अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मेजरमेंट का आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि शक्कर अगर परफेक्ट होगी तभी ये जम पाएंगे, तभी ये अच्छे से सेट हो पाएगा, अदरवाइज ये नहीं पक पाएगा। तो एक कप साबूदाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप शक्कर लिया है और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करें तो इसमें थोड़ी सी शक्कर और मिला सकते हैं या फिर बराबर बराबर क्वांटिटी में भी दोनों को रखा जा सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पे जमा लिया है, अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख रही हूँ फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसकी बर्फी के शेप में इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रिज से मैंने निकाल लिया है और चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये जो बर्फ़ी बनके तैयार हुई है सॉफ्ट है और मुंह में घुल जाने वाली है। साबूदाना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आप इसे व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं, व्रत के लिए भी है ये और नॉर्मली भी आप इसे बना करके अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। नॉर्मल डेज पे भी इसे बनाया जा सकता है, फेस्टिवल में भी इसे बनाया जा सकता है, तो जब जैसे आपकी मर्ज़ी आप इसे बनाएँ और इन्जॉय करें। तो चलिए मैं इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से आपकी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।